जन्माष्टमी। जन्माष्टमी पर्व को भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व पूरी दुनिया में पूर्ण आस्था एवं श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। जन्माष्टमी को भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बसे भारतीय पूरी आस्था व उल्लास से मनाते हैं। श्री कृष्ण युगो युगों से हमारी आस्था के केंद्र रहे हैं। वे कभी यशोदा मैया के लाल होते हैं तो कभी ब्रज के नटखट कान्हा। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का दिन बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। जन्माष्टमी पर्व भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, जो रक्षाबंधन के बाद भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। श्री कृष्ण हमारी धरती पर मानव रूप में ही प्रकट हुए थे, जिन्होंने कंस जैसे पापी का सर्वनाश किया था। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने विष्णु जी के और राम जी के आठवें अवतार के रूप में जन्म लिया था। श्री कृष्ण देवकी और वासुदेव के आठवें पुत्र थे। मथुरा नगरी का राजा कंस था, जो कि बहुत ही अत्याचारी था। उसके अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे थे। एक समय आकाशवाणी हुई कि उसकी बहन देवकी का आठवां पुत्र उसका वध करेगा। यह सुनकर कंस ने अपनी बहन देवकी को उसके पति वासुदेव सहित कालकोठरी में डाल दिया। कंस ने देवकी के कृष्ण से पहले के 7 बच्चों को मार डाला। जब देवकी ने श्री कृष्ण को जन्म दिया, तब भगवान विष्णु ने वासुदेव को आदेश दिया कि वे श्री कृष्ण को गोकुल में यशोदा माता और नंद बाबा के पास पहुंचा आए, जहां वह अपने मामा कंस से सुरक्षित रह सकेगा। श्री कृष्ण का पालन पोषण यशोदा माता और नंद बाबा की देखरेख में हुआ। बस उनके जन्म की खुशी में तभी से प्रतिवर्ष जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मंदिरों को खास तौर पर सजाया जाता है। जन्माष्टमी पर पूरे दिन व्रत का विधान है। जन्माष्टमी पर सभी 12 बजे तक व्रत रखते हैं। इस दिन मंदिरों में झांकियां सजाई जाती हैं और भगवान श्री कृष्ण को झूला झुलाया जाता है और रासलीला का भी आयोजन होता है। जन्माष्टमी के दिन देश के कई हिस्सों में दही हांडी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाता है। दही हांडी प्रतियोगिता में सभी जगह बाल गोविंदा भाग लेते हैं। इसमें ऊंचाई पर दही या मक्खन से भरी हांडी लटकाई जाती है, जिसे तोड़ने वाले को पुरस्कार दिया जाता है। यह पर्व भगवान कृष्ण में हमारी आस्था का प्रतीक है। यह पर्व भगवान श्री कृष्ण के दिखाए पथ पर चलने व उनके आदर्शों का पालन कर मानव जाति के विकास के लिए अपना योगदान देने की तरफ हमें संदेश देता है।